नमस्कार, मैं शीला खंडेलवाल ज्योतिषाचार्य आज आपके सामने कुछ ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जिसके अंदर बच्चों को लेकर माँ बाप बहुत टेंशन में रहते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उन्हें किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त हों, यही वर्तमान समय में सबकी समस्या है। तो आज मैं इस पर थोड़ा सा आपको यह बताना चाहूँगी किस तरह से हम बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें और अच्छा मार्क्स कैसे आ सके, इस विषय में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। पहला ये कि बच्चों का रूम किस तरह से होना चाहिए। बच्चों के रूम के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो स्टडी टेबल है वो नॉर्थ में हो या ईस्ट फेसिंग हो। अगर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ में होगी तो बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि जो सूर्य और गुरु है वह ईस्ट का ही कारक होता है और इससे बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी से बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। और दूसरा ये है कि दिशाओं का भी बहुत महत्व होता है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है और नॉर्थ दिशा बुध की। अगर इन दोनों की दिशाओं में बच्चों की पढ़ाई की जाए तो बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि स्टडी रूम के कलर कैसा हो। तो स्टडी रूम में कभी भी डार्क कलर नहीं होना चाहिए, पिंक कलर, येलो कलर या लाइट ग्रीन कलर होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से सुधार करके हम अब बच्चों को काफ़ी अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होना चाहिए। बच्चों के कमरे को ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा सामान भर दिया हो। बच्चे के पढ़ाई की स्टडी टेबल ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की जो स्टडी मटेरियल है उसके अलावा टेबल पे कोई भी फालतू सामान नहीं होना चाहिए। किताब, कॉपी और इसके अलावा एक छोटा सा गमला वहाँ पे रखना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी भी उसके पास आ सके। तो यूँ कहें कि बच्चों के कमरे में घुसते ही इतना अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे कि बच्चा अपना स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ने की इच्छा जाहिर करे। और दूसरा ये है कि स्टडी टेबल पे हमेशा साफ सुथरा और उसके अलावा कॉपी, पेंसिल और किताब की एक साथ लंबी लिस्ट नहीं रखनी, जो किताब उसको पढ़नी है वही किताब रखनी चाहिए। प्रकाश हमेशा आगे से या दाहिने बहाने से आना चाहिए। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि पास में कोई खिड़की या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों का ध्यान बाहर की ओर आकर्षित हो। और दूसरा ये चीज़ कहेंगे कि पढ़ाई करते समय बच्चों को ऐसा कोई भी गैजेट पास में नहीं रखना चाहिए जिससे कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो। जैसे आजकल वर्तमान में हम देख रहे हैं मोबाइल का काफ़ी चलन चल रहा है। मोबाइल को हम राहु का प्रतीक मानते हैं। यदि बच्चों का ध्यान मोबाइल में रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो नेट खोल के या कुछ अन्य कार्यक्रम करने लग जाएगा। इसलिए हमेशा उसको कहे कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। ये वर्तमान में ऐसी चीज़ें हैं कि हमें बताना बहुत ज़रूरी हो गया कि बच्चा पढ़ाई कम और मोबाइल से ज़्यादा खेलता है। ये भी कारण है कि बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। जिस भी बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं उसका कारण यही होता है कि वह इंटरनेट या मोबाइल का यूज़ कम करता है। तीसरा हम बात करते हैं कि बच्चों का पढ़ने का टाइम कब होना चाहिए। बच्चों के पढ़ने का टाइम, अगर बच्चा सुबह 4 बजे से उठ के अगर 7 बजे की पढ़ाई करता है उसमें उसकी जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र उस समय जागृत होता है और आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। अगर मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका पढ़ाई में जो पढ़ता है वो याद रहता है। कई बच्चों को देखते हैं कि रात रात भर तक पढ़ते रहते हैं और जब 4 बज जाते हैं उनको नींद आ जाती है और 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो जो ऊपर चढ़ती है उसका उपयोग वो नहीं कर पाते और कितनी ही पढ़ाई कर ले लेकिन उसका रिजल्ट वो नहीं आ पाता जो पहले आता था। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो 4 बजे उठ जाते थे, जिसको अमृत बेला बोलते हैं। अब उल्टा हो गया कि लोग बाग अमृत बेला में सोते हैं और जो सुबह का टाइम होता है उसमें जागते हैं और शायद उनको थकान महसूस होती है। अगर सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे तो उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी और उनके आज्ञा चक्र उनको काम करने का मौका मिलेगा। इस वजह से हम ये देखते हैं कि आजकल के बच्चे सब चीज़ें पहले के हिसाब से नहीं करके और उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। बच्चों की कोई गलती नहीं, लेकिन अगर उनका दिनचर्या चेंज की जाए, उनका लिविंग स्टाइल चेंज किया जाए, उनके रूम में पॉजिटिव एनर्जी दी जाए, चारों तरफ से शांति हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, रूम में कम से कम सामान हो, टेबल अच्छी हो, उसको हमेशा डांटा नहीं जाए कि नहीं तुझे अच्छा करना है, क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर करेगा तो उसका जो चंद्रमा है वो ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है और मन हमेशा शांति चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आप
कॉपी पेंसिल यूज़ करें वो कभी भी किसी की मांगी हुई नहीं होनी चाहिए। ये मानना हमेशा सही रहता है कि कभी भी किसी की मांगी या यूज़ करी हुई चीज़ अपन यूज़ करते हैं तो उसका होरा भी उसके अंदर आ जाता है। कई लोग कहते हैं यार ये पेन दे, एग्ज़ाम में भी कई होते हैं कि पेन लेके जाते हैं लेकिन पड़ोसी से मांगते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। यदि आप किसी का पेन यूज़ कर रहे हो तो उसकी होरा भी उसके अंदर आ जाती है, इसलिए अधिकतर ये करें कि जब भी एग्ज़ाम हो या जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या आगे की पढ़ाई कर रहे हो, हमेशा अपना किट नया हो और किट में जो चीज़ें रखी हुई है खुद के ही द्वारा यूज़ करी हो, किसी के द्वारा ना तो गिफ्टेड करी हो ना मांगी गई हो, तो इससे भी आपका 40% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हर छोटी छोटी चीज़ को हम देखेंगे तो मेरा ये मानना कि हमेशा हर चीज़ को अगर ढंग से सही तरीके से और सही दिशा से किया जाए तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। और इस चीज़ के अंदर हम देखते हैं कि इन चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाए तो 100% बच्चों की इम्प्रूवमेंट होगा, उनके मार्क्स में तरक्की होगी। अगर हमारे हिसाब से हम ये कहें कि नहीं जो चल रहा है चलने दो, तो जो चीज़ आ रही है आ रही है। बच्चों की छोटी छोटी सी आदतें जैसे बच्चों का सोने का टाइम अगर हम उसको चेंज करें, बच्चों का कलर, उसके जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो कौन से कपड़े पहन के जाए, क्या खा के जाए, वो भी मायने रखती है। जो हम कहते हैं कि मुँह मीठा करा के जाना चाहिए, ये भी शुगन होता है क्योंकि इस चीज़ को करने से जैसे अपन कहते हैं कि बच्चों को दही खिलाना चाहिए तो दही भी चंद्रमा का प्रतीक होता है, शुक्र उसका अच्छा हो जाता है और जो वो लिखता है उसमें उसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए जब बच्चों के एग्ज़ाम हो तो मोस्टली खाने पे भी बहुत कंट्रोल करना चाहिए, उसको तली भुनी चीज़ें के अलावा उसको सात्विक आहार देना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं करके उसको सात्विक आहार, उसका भोजन में परिवर्तन, उसकी दिनचर्या में परिवर्तन, क्योंकि ये सब चीज़ मिलके ही एक उसके लिए बेस तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा करने से धीरे धीरे उसके मार्क्स में अच्छी स्थिति आने लगती है। ये एक किया गया एक्सपेरिमेंट है हमारे द्वारा, कई लोगों के पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं और इसके रिज़ल्ट अच्छे हुए हैं। हम ये नहीं कहते बच्चा कमज़ोर, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, लेकिन वो ही है कि एक दिशा निर्देश बच्चों को दिया जाए किस तरह से वो अपनी दिनचर्या सेट करे, किस तरह उस घर का वास्तु हो, किस तरह से उसका खान पान हो, किस तरह से उसका रहन सहन हो और कब उठे और कब वो सोए। अगर ये सारी दिनचर्या हम चेंज करते हैं तो उसका माइंड डेवलप होगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा, उसका स्टडी टेबल अच्छी हो, उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसकी दिशा अच्छी हो और उसका सामान जो हम उसको काम में लेते हैं वो पॉजिटिव हो, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे और जो वो नेगेटिव से गो रहा था, बहुत तनाव में था, वो सब उसका तनाव ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे होते जाएंगे। ये प्रक्रिया यानी कि एग्ज़ाम से में करके परीक्षा हमें शुरू से करनी पड़ेगी, केवल एग्ज़ाम से में करने से उसका रिज़ल्ट हम कहेंगे कि ठीक आ रहा है, लेकिन अगर हम शुरू से ये चीज़ करें तो उसका रिज़ल्ट हमेशा के लिए हर साल उसका रिज़ल्ट बढ़ता जाएगा और एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छे नंबरों से वो पास होगा और मम्मी पापा की जो परेशानी है वो भी दूर होगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर इन चीज़ जो बताई चीज़ें हमने बताई है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चों की समस्या को हम दूर कर सकते हैं और धीरे धीरे उसकी तरक्की होगी और उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसके द्वारा हम उनको बहुत ही अच्छे नंबरों से उनको गेन करा सकते हैं और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर कर सकते हैं। आप खुद महसूस करोगे जब तक इंसान में नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी उसको नींद आती है, कभी कहते हैं बच्चे को कि जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। फॉर व्हाट, क्या कारण है कि बच्चा भूल जाता है? इसका यही कारण है कि उसके अंदर एक फोबिया रहता है नंबर ज़्यादा लाने का। लेकिन मेरा मानना अगर ये सारी चीज़ हम उसको फॉलो करते जाएंगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी तो निकल गई, तो डेफिनेट है उसके एग्ज़ाम में वो जो उसकी नर्वस सिस्टम कमज़ोर है या नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें रहेगी नहीं और हमारे जो अपनाए गए जो फार्मूले वो काम करेंगे और उसके नंबर अच्छे आएंगे। बस इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का अगर मम्मी पापा ध्यान रखें, उसके खान पान, उसके रहन सहन, उसके पहनावा, उसके हैबिट्स, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो घबराहट है, जो उसके अंदर जो उसकी तकलीफ है वो कुछ भी नहीं आएगी और एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। थैंक यू।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।